नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2019 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के अभी तक जो भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई हैं उन रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करें तो इससे आपसे मेनली तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पार्टिकुलर रिपोर्ट है इसे किसके द्वारा इशू किया जाता है, या फिर इस रिपोर्ट में इंडिया की कौन सी पोजीशन रही थी, या फिर इसमें टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही है। तो इस टॉपिक से आपको इन तीन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आगे आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं यह भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2016-17 के लिए जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा केरल, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो भारत के सभी स्कूलों के प्रदर्शन के आधार पर ये जो रिपोर्ट है इसे जारी किया गया। केरल इसमें रहा पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे और कर्नाटक इसमें तीसरे स्थान पे रहा है। अगर हम लोग नीचे से तीन राज्यों की बात करें तो वह है पंजाब, जम्मू और कश्मीर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश। लेकिन कभी भी किसी भी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि कौन सा देश नीचे से सबसे टॉप पे रहा, यानी कि निचले पायदान पे कौन सा रहा। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े राज्यों की जो श्रेणी थी उसमें कुल 20 राज्य शामिल थे। अगला प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता, वर्ष 2016-17 के लिए जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में छोटे राज्यों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। तो छोटे राज्यों में रहा है मणिपुर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और छोटे राज्यों में कुल 8 राज्य शामिल थे, मणिपुर इसमें पहले, त्रिपुरा दूसरे और गोवा यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा था। और इसी से एक तीसरा प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स था केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बात करें तो पहले स्थान पर रहा है चंडीगढ़, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो हमारे देश में उस समय तक 7 केंद्र शासित प्रदेश थे जब इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था, हालांकि वर्तमान में इनकी संख्या 9 हो चुकी है। चंडीगढ़ पहले, दादरा दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है। नीति आयोग की बात करें तो नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष इसके होते हैं PM, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO इसके हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पे है। तो भारत इस सूचकांक में रहा 68वें स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और ये जो सूचकांक है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया, और भारत की जो रैंकिंग है पिछले वर्ष वह 98वें स्थान पे था, तो इस बार भारत की रैंकिंग में 10 स्थानों की गिरावट देखने को मिली है। 103 सूचकों के आधार पर 141 देशों का मूल्यांकन किया गया। इस रैंकिंग में सिंगापुर रहा पहले स्थान पे, अमेरिका दूसरे और हांगकांग तीसरे स्थान पे रहा है। पहले यानी कि पिछले वर्ष अमेरिका पहले पे था, तो इस बार सिंगापुर ने उसे पीछे कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। मुख्यालय इसका है क्लॉग्ने स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष इसके हैं क्लाउस स्वाब। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट की सूची में दूसरे स्थान पर कौन रहे। तो इसमें पहले स्थान पर रहे मुकेश अंबानी और दूसरे स्थान पर रहे गौतम अदानी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी, मैंने आपको बताया कि ये पिछले 12 वर्षों से शीर्ष पे हैं, गौतम अदानी दूसरे और हिंदुजा बंधु इस सूची में तीसरे स्थान पर रहे हैं। फोर्ब्स के द्वारा कुछ अन्य लिस्ट जारी की गई जिसमें भी आपको याद रखना है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता ड्वेन जॉनसन, अभिनेत्री स्कारलेट जॉनसन, सबसे धनी व्यक्ति उस समय तक थे जेफ बिजोज, लेकिन अब इनको पीछे कर दिया है एक बार फिर से बिल गेट्स ने। एथलीट कौन हैं, लियोनेल मेसी, और सेलिब्रिटी हैं टेलर स्विफ्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगरनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत की स्थिति इसमें काफी ज्यादा खराब रही, भारत रहा यहां पर 102वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यह जो वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट है इसे आयरलैंड की
कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की बेंथुंगर हिल्फे द्वारा जारी किया गया। पिछले वर्ष भारत 103 स्थान पर था, यानी कि केवल एक स्थान का इसमें सुधार हुआ है। अगर हम लोग पड़ोसी देशों की बात करें तो वे भी भारत से बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान 94वें स्थान पर, बांग्लादेश 88वें, नेपाल 73वें और श्रीलंका इसमें 66वें स्थान पर रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये सबसे निचले स्थान पर रहा। और यहाँ पर पहले स्थान पर बहुत सारे देश रहे, तो उनको यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में जारी QS भारत विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो इसमें एक बार फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है IIT मुंबई ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसमें IISc बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो रैंकिंग है ये QS के द्वारा जारी की गई। QS का फुल फॉर्म चलिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो हमारे यहाँ पर MHRD मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग जारी की जाती है, उसमें रहा है IIT मद्रास पहले पे, IISc बेंगलुरु दूसरे पे और IIT दिल्ली इसमें तीसरे स्थान पे रहा है। तो जो पोजीशन की चेंज हुई है वो IIT मुंबई और IIT मद्रास में हुआ है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में जारी व्यापार सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें रहा है 63वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये तो परीक्षा में आपसे जरूर पूछी जाएगी। तो विश्व बैंक के द्वारा इसे जारी किया गया। भारत जो कि पिछले वर्ष 77वें स्थान पर था, इस वर्ष ये 63वें स्थान पर आ गया। न्यूजीलैंड पहले, सिंगापुर दूसरे और हांगकांग यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। 190 देशों पर ये आधारित है। चीन इसमें 31वें स्थान पर, पाकिस्तान 108वें और रूस इसमें 28वें स्थान पर रहा है, यानी कि ब्रिक्स नेशन और पड़ोसी पाकिस्तान की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, क्रेडिट स्विस के द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी 10% लोगों में सर्वाधिक किस देश से हैं? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है चीन के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। क्रेडिट स्विस ये स्विट्जरलैंड की एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है और इसमें चीन ने अमेरिका को पहली बार पीछे छोड़ दिया। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सबसे अधिक जो मिलेनियर्स हैं वे हैं चीन देश में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को यहाँ पर मिला है 57वां स्थान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है इसे जारी किया गया न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा, EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के शोध पर ये रिपोर्ट आधारित रही। 195 देश शामिल है। भारत यहाँ पर 97वें स्थान पर है, पहले पे USA, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पे नीदरलैंड इस सूची में रहा है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है केरल, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है जारी की गई नीति आयोग के द्वारा और इसका नाम है हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट ऑन रैंक ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये इसका दूसरा संस्करण था। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से इसका निर्माण किया गया और तीन श्रेणियों में, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तीन श्रेणियों में बड़े, छोटे और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे जारी किया गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सूचकांक 2.0 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान पर है गुजरात, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सूचकांक 2019 की बात करें तो ये जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। पहले स्थान पर इसमें रहा गुजरात और उसके बाद में आंध्र प्रदेश दूसरे और मध्य प्रदेश यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। और ये जो सूचकांक है ये जल स्रोतों के प्रबंधन के आधार पर जारी किया गया, यानी कि किस प्रकार से कौन सा राज्य जो भी वाटर सोर्सेज हैं उनका प्रबंधन करता है, उनका मैनेजमेंट करता है, उसके आधार पर जारी किया गया। उत्तरी पूर्वी और हिमालयी राज्यों की जो सूची थी उसमें हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है, सरल सूचकांक 2019 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो सरल सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा कर्नाटक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सरल जिसका पूरा नाम है स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा इसे जारी किया गया। और ये जो रिपोर्ट थी
इसका निर्माण नई और नवीकरणीय मंत्रालय शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन यानी कि SSEF और एसोचैम अर्न्स नेक्स्ट और एम के द्वारा निर्मित किया गया। तो ये आपको नहीं याद रखना है। इसमें तेलंगाना दूसरे पे रहा, गुजरात तीसरे और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पे रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर सरल सूचकांक के आधार पर पूछा जाए तो इसमें पहला स्थान रहा आंध्र प्रदेश का, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर यह पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में इंस्टॉल हुए सौर पावर, तो उसमें आपका उत्तर क्या होगा, उसमें आपका उत्तर होगा गुजरात। यानी कि फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो ये होगा कर्नाटक। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सोलर के इंस्टॉलेशन में पहले स्थान पर कौन रहा, तब आपका उत्तर होगा गुजरात। तो दोनों में आपको गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी जल तनाव सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा, तो भारत इसमें रहा है 46वें स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो वाटर स्ट्रेस सूचकांक है ये जारी किया गया बेरिस्क मैपल क्रॉफ्ट के द्वारा। तो भारत 20 में से 11 शहरों में पानी की कमी है भारत के, और ये सूचकांक जल की कितनी उपलब्धता है किसी देश में और खर्चे के आधार पर जारी किया गया। तो भारत 46वें स्थान पर रहा, जो कि जोखिमपूर्ण देशों की सूची है। अगला प्रश्न, पहली बार प्रकाशित SDG लिंग समानता सूचकांक 2019 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा, तो इसमें रहा है डेनमार्क, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और ये जो सूचकांक है ये जारी किया गया इक्वल मेजर 2030 के द्वारा। प्रथम स्थान पर इसमें रहा है डेनमार्क, भारत का स्थान इस सूची में रहा है 95। तो ये भी याद रखिएगा SDG लिंग समानता सूचकांक, और 129 देशों पर यह सूचकांक आधारित था। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा, तो इस सूचकांक में भारत रहा है 52वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है इसे जारी किया गया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पहले स्थान पर इस सूची में रहा है स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान इसमें रहा है 52वां। और अगर हम बात करें तो ये जो सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक 126 देशों के 80 संकेतों के आधार पर जारी किया गया। अगला प्रश्न है, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग सूचकांक 2019 में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, तो इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है चंडीगढ़ राज्य का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग सूचकांक है इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। पहले स्थान पर रहा है इसमें चंडीगढ़, और अगर हम लोग बात करें तो केरल राज्य दूसरे स्थान पे, गुजरात यहाँ पर तीसरे स्थान पे रहा था। और इसे निर्मित किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से। अगला प्रश्न, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इस सूचकांक के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया, 101 देशों पर ये आधारित था। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि दुनिया में 130 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बहुआयामी गरीब हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि 2006 से 2016 के बीच में भारत में 27.1 करोड़ लोग ऐसे थे जो कि गरीबी से बाहर आए। अगला प्रश्न है, वर्किंग ऑन ए वार्मर प्लैनेट नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो ये रिपोर्ट जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, तो इसमें ये बताया गया है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये या फिर जो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के ऊपर देखने को मिलेगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2030 तक भारत के काम करने के समय में 5.8% की कमी होगी, यानी कि ज़्यादा समय तक लोग कम काम नहीं कर पाएंगे और हीट स्ट्रेस होगा जिससे 35 डिग्री से उच्च तापमान बना रहेगा। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसमें सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है जापान की राजधानी टोक्यो, तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जारी किया गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, पहले स्थान पर रहा है टोक्यो और सिंगापुर दूसरे, ओसाका तीसरे स्थान पर रहा है। 60 शहरों पर यह आधारित था और भारत के दो शहर इसमें शामिल थे, एक तो था आर्थिक राजधानी मुंबई 45वें और देश की जो राजधानी है दिल्ली वह 52वें स्थान पर रही।
अगला प्रश्न है, क्वालिटी अननोन नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस रिपोर्ट का पूरा नाम था क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस 2019। तो विश्व बैंक के द्वारा इसे जारी किया गया और इसमें यह बताया गया है कि जो जल संकट है इसके कारण बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में शीर्ष देश कौन सा है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है भारत में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और भारत का जो सिंगरौली पावर प्लांट है इसके द्वारा सबसे ज्यादा SOT उत्सर्जन देखने को मिलता है। चलिए आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है ये जो सिंगरौली पावर प्लांट है यह किस राज्य में स्थित है? तो SO2 उत्सर्जन सूचकांक की बात करें तो ग्रीन पीस के द्वारा इसे जारी किया गया और इसमें यह बताया गया कि दुनिया में जो SO2 का उत्सर्जन होता है उसमें से 15% योगदान है भारत का। और ये जो रिपोर्ट है नासा की ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट सेटेलाइट के आधार पर जारी की गई। और मैंने आपको बताया कि दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा SO2 उत्सर्जक पावर प्लांट में 5 भारत के हैं, रूस दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे, मैक्सिको चौथे और ईरान 5वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है नॉर्वे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। भारत का स्थान इसमें रहा 140वां, प्रथम स्थान पर इस सूचकांक में रहा है नॉर्वे। और अगर हम लोग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात करें तो यह एक NGO है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये जो इंडेक्स है इसमें भारत रहा है 67 पोजीशन पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट रही इसे जारी किया गया आर्टन कैपिटल, जो कि कनाडा की एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है। भारत का स्थान रहा 67 और इसमें पहले स्थान पर रहा है UAE। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है जापान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ये जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के द्वारा और भारत का स्थान रहा है इसमें 86वां, प्रथम स्थान पे इसमें रहा है जापान और सिंगापुर दोनों। तो याद रखिएगा दोनों ऐसे देश हैं जिनका पासपोर्ट स्ट्रांग है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बात करें तो 19 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है और इसमें भारत रहा है 140वें स्थान पर। अब इस सूचकांक के बारे में बात करें तो ये जो सूचकांक है इसे जारी किया गया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि UNSDSN के द्वारा इसे जारी किया गया। भारत का स्थान रहा इसमें 140वां और पहले स्थान पर इस पर रहा है फिनलैंड। और अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था विश्व प्रसन्नता सूचकांक पर, उसमें ये पूछ लिया गया था कि ये जो सूचकांक थे इसमें सबसे खुशहाल शहर एशिया महाद्वीप का कौन था? तो उस स्थिति में इसका सही उत्तर होगा ताइवान। लेकिन अब इतना डीप पे कोई जाता नहीं है और ना ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है कि अगर आपको एशिया का भी पता चल सके तो आप उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, स्वर्ण भंडार पर आधारित गोल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत इसमें रहा है 10वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जो गोल्ड रैंकिंग है ये मुख्य रूप से जारी की जाती है विश्व स्वर्ण परिषद के द्वारा और ये जो रैंकिंग है इसमें आधार होता है कि किस देश में कितना स्वर्ण का भंडार स्थित है। तो भारत का स्थान रहा है 10वां, पहले स्थान पर USA, दूसरे पर जर्मनी और तीसरे में रहा है इसमें IMF और विश्व स्वर्ण परिषद, जिसका मुख्यालय है इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो सूचकांक है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी हुआ, भारत इसमें रहा 76वें स्थान पर और पहले स्थान पर रहा इसमें स्वीडन। और आगे बात करें तो स्थापना इसकी जनवरी 1971 में हुई थी, किसकी? विश्व आर्थिक मंच की, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर क्लॉग्नी में।
अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा है? तो इसमें भारत रहा है 80वें स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक है ये जारी किया गया इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल के द्वारा। भारत का स्थान इसमें रहा है 80वां, प्रथम स्थान पे इस सूचकांक में रहा है स्विट्जरलैंड। और थीम भी इसकी रही थी, थीम क्या थी, इंटरप्रेन्योरियल टैलेंट एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा दक्षिण कोरिया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में यह जो सूचकांक है, भारत इसमें 54वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर इसमें रहा है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, EIU के द्वारा जारी इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, यानी कि इंटरनेट के यूजर्स के ऊपर इसे जारी किया गया और इसमें शीर्ष पर रहा है स्वीडन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये जो सूचकांक है मैंने आपको बताया है कि EIU और फेसबुक के द्वारा जारी किया गया, भारत का स्थान इसमें रहा 47वां और पहले स्थान पर रहा है स्वीडन। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत रहा है 78वें स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जो रिपोर्ट मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है, भारत रहा 78वें स्थान पे और डेनमार्क इसमें रहा है पहले स्थान पे, यानी कि जो शीर्ष में इसमें देश रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार सबसे कम है। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो यह एक NGO है, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसका मुख्यालय है। अगला है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें रहा है 11वें स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये जो रिपोर्ट है इसे जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया, भारत का स्थान रहा 11वां और पहले स्थान पर रहा इसमें स्वीडन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें रहा है 34वें स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों पे जारी की जाती है, 2017 में इसमें भारत 40वें स्थान पे था, 2019 में पहुंच गया 34वें स्थान पे, और इस बार पहले स्थान पे रहा स्पेन, फ्रांस दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर रही है। और अभी हाल ही में एक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बेहतर निवास करने लायक शहर की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है वियना, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो रिपोर्ट आई थी, एक तो आई थी विश्व में सबसे बेहतर निवास करने लायक शहर और एक था विश्व का सबसे सुरक्षित शहर। तो सुरक्षित अगर पूछा जाएगा तो उस स्थिति में होगा टोक्यो जापान की राजधानी, और अगर निवास करने लायक पूछा जाए तो इस स्थिति में होगा वियना जो कि है ऑस्ट्रिया की राजधानी। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया, 140 शहरों पर आधारित था और भारत का मुंबई 119वें और दिल्ली 118वें स्थान पर इस सूचकांक में रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एशिया प्रशांत को लिविंग इंडेक्स में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? तो शीर्ष स्थान इसमें मिला है बीजिंग को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाइट फ्रैंक के द्वारा इसे जारी किया गया, बीजिंग पहले, टोक्यो दूसरे और शंघाई इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। भारत का मुंबई 5वें, नई दिल्ली 11वें और बेंगलुरु इसमें 19वें स्थान पर रहे हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो चलिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है यह किस देश में स्थित है। 2012 के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है कि 300 में कोई भी भारतीय संस्थान नहीं है। कुल 92 देशों के 1300 विश्वविद्यालय में से 56 भारत के हैं। इसमें IIT रोपण और IISc बेंगलुरु संयुक्त रूप से 350वें स्थान पर रहे हैं। और अगर हम लोग ऊपर से बात करें तो ऑक्सफोर्ड के बाद में दूसरे स्थान पर रहा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, लीड सूचकांक 2019 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान इसमें मिला है गुजरात को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
लीज का मतलब है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि एक राज्य से दूसरे स्थान पे कितनी आसानी होती है किसी भी सामान को भेजने में। तो ये इस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण था। कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय द्वारा डिलोलाइट के द्वारा इसे निर्मित किया गया। गुजरात रहा पहले स्थान पे, पंजाब दूसरे और आंध्र प्रदेश में रहा है तीसरे स्थान पे। हिमाचल प्रदेश राज्य इसमें सबसे निचले पायदान पे रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में किस देश का प्रथम स्थान रहा? तो पहले स्थान पे यहाँ पर रहा है हांगकांग, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है कनाडा के फ्रेजर संस्थान द्वारा जारी किया गया, 162 देशों पर ये आधारित था। हांगकांग इसमें 1977 से शीर्ष स्थान पे रहा है। भारत 79वें स्थान पे रहा और इस रिपोर्ट में भारत ने 17 स्थानों की छलांग लगाई है, यानी कि इससे पहले भारत इसमें 95वें स्थान पे रहा था। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी बेस्ट बिजनेस स्कूल 2019 की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो शीर्ष स्थान पे रहा है लंदन बिजनेस स्कूल, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो रैंकिंग है 5 वर्षीय MBA प्रोग्राम के ऊपर आधारित थी और यहाँ पर भारत का इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद 7वें स्थान पे रहा है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी द वेल्दीएस्ट सिटीज वर्ल्ड वाइड इन 2019 लिस्ट में मुंबई किस स्थान पर रहा? यानी कि सबसे धनी शहरों की बात हो रही है, तो इसमें मुंबई रहा 12वें स्थान पे, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा जारी की गई, न्यूयॉर्क सिटी पहले, टोक्यो दूसरे और इसमें दिल्ली रहा है 22वें स्थान पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें रहा है 7वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो भारत की जो इसमें स्थिति रही है उसमें इजाफा हुआ है। इससे पहले भारत 9वें स्थान पे था और इस सूची में अमेरिका पहले, चीन दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पे रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा? तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी कि ये जो है ये जारी किया जाता है कि कौन सा देश कितना दान देता है, तो इसके आधार पर यह जारी किया गया। भारत इसमें रहा 22वें स्थान पे, अमेरिका पहले, म्यांमार दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पे रहे हैं। 128 देश इसमें शामिल थे और चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो शीर्ष पे रहा है कर्नाटक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका जो पहला संस्करण था, ये इसका पहला संस्करण था, तीन श्रेणी में यहाँ पर राज्यों को बांटा गया। एक था मुख्य राज्य, फिर उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य और तीसरा था छोटे राज्य। तो सिक्किम उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष पे रहा और दिल्ली यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पे रहा था। अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटक इसमें पहले, महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा बड़े राज्यों की सूची में यानी कि मुख्य राज्यों की सूची में शीर्ष तीन स्थानों पर क्रमशः रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें रहा है तीसरे स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है ये मुख्य रूप से उन कंपनियों के आधार पर जारी की गई जो कि 2000 के बाद में लिस्टेड हुई हैं और उनका जो नेटवर्थ है वह $1 बिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। तो चीन व यूएसए 203 के साथ में पहले स्थान पर रहे और भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें रहा है 32वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है नागरिकों को पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ के आधार पर जारी की गई, 37 देशों पर यह आधारित थी। नीदरलैंड रहा पहले और थाईलैंड इसमें आखिरी स्थान पर रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।